जिम वर्कआउट डन हो चुका है आज का। ओके सो जो मेरा वेट वगैरह का जो है वो मैं आपको कल बताऊंगा डिटेल्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ आप लोगों का दिन अच्छा जाए। व्लॉग में बने रहिएगा। अभी मैं जा रहा हूँ वावड़ी, थोड़ा दादा का काम है पर्सनल, तो वो सब करने के लिए। एंड आज एक और चीज है, सरप्राइज है, तो व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। वैसे टाइटल में शायद आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अभी काटा है वो सामने, देखो भैया ने। सो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, अभी निकल रहे हैं वावड़ी के लिए। या आज लेट हो गया है, 12 के ऊपर समथिंग हो गया है, तो बस अब निकलते हैं। हम थोड़ा सा सामान घर पे भूल गए थे, तो मम्मी का कॉल आया तो राहुल लेने गए हैं, मुझे यहाँ यहीं पे उतार दिया है, लेके आते हैं और मैं उनका वेट कर रहा हूँ। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं तो कहीं ना कहीं से तो मिल ही सकती हूँ, मैं उनको मिल ही जाऊंगी कहीं ना कहीं। तो धूप बहुत ज्यादा है, दोपहर के 12:30 हुए है। अरे राहुल आ चुके हैं, कितना टाइम लगा? फाइनली वावड़ी पहुंच चुके हैं। ये देखिए चाट रहा है मेरे को, इसको इसको सब रही नहीं है। दादा भी बैठे हैं, आज दादा एकदम मस्त लग रहे हैं। सो हीना भी आई हुई है आज, उसको नहीं आने का था पर फिर वो मेरे बिना रह ही नहीं पाती है, इसलिए वो भी आ गई। दादा का काम करके आ गए हैं। अभी हीना वगैरह सब टमाटर वगैरह बीनने गए हैं। चलिए थोड़ा खेत का चक्कर मार के आते हैं। देखिए अम्मा आ रही है, अम्मा हमारी बीवी एकदम अम्मा बन गई। अम्मा अम्मा इधर आओ, अम्मा इधर आओ। अम्मा कहाँ गई थी? अम्मा गाड़ी देने पापा को, क्या टमाटर चुराने गई थी? टमाटर चुरा गई थी ना? मैं पापा से सिर्फ गाड़ी देने गई थी। फिर कुछ दे दी? हे क्या बना रही हो हीना? भाकरी और पत्ता गोभी सब्जी। अच्छा बन गई है। आज हमारे देसी खाने में बना है भाकरी और पत्ता गोभी की सब्जी, और ये हमारी धर्म पत्नी खाना बनाते हुए। तो ये है आज का हमारा खाना। वाह क्या टेस्ट है। हाँ पापा। रेड शूज, रेड टमाटर, टमाटर टमाटर, देखा इतने सारे टमाटर है हमारे खेत में, और हमारे शहरों में 20 रुपए केजी बिकते हैं ये। दादा हमारे वीडियो देख रहे हैं और उधर मेरे पापा देख रहे हैं, तो दो व्यूज तो हमारे घर के ही है। गाइस हम आए हैं हमारे वनडे पे, दादा और मेरे पापा और उन सब ने मिलके, छगन दादा उन सब ने मिलके कितना बढ़िया साफ कर डाला है। देखिए एकदम चकाचक पूरा साफ हो चुका है। ठीक है अभी हम बस यहाँ पर चेक करने आए, कहीं ईंटे वीटे गिरी है तो उठा के यहाँ पर अंदर रखने के लिए, फिर अभी जाएंगे। और ये बैकग्राउंड देखिए कितना बढ़िया लग रहा है फोटो खींचने के लिए। हो गया ना साफ एकदम, देखिए कितना मस्त सूरज यहाँ पर आएगा। ये हमारा वंडा है, यहाँ पर हम रहने आएंगे किसी दिन। हाँ और देखिए ईंटे वीटे इकट्ठा कर लिए, पूरी दीवारें नहीं बनाने की है, ये पूरा ग्राउंड एक लेवल पे करने का है, और यहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ उगाने के हैं, ऐसा कुछ प्लान है हमारा। हम आए हैं यहाँ पर पतंग लेने के लिए, हीना पतंग ले रही है, 2 पतंग लेके जा रहे हैं और अभी खेत में जाके उड़ाएंगे। देखो बोर मिले हमें, ये हीना बेर तोड़ने गई है। वाह देसी बेर खाने मिलेगा आज पेड़ से तोड़ के। हीना मेरे लिए भी लेके आना थोड़े से, नहीं कांटे वाटे नहीं, लाओ ना एक दो। देखिए ऊपर भी कितने सारे हैं, बेर ही बेर है। और ये देखिए हमारे बेर आ गए, लाइए टेस्ट करते हैं। सच्ची बताना लारी से कितने अच्छे हैं।
एक नंबर ऐसा, एक नंबर। हीना अपनी चटोरी जीप को और वो करने के लिए वहां तोड़ने गई है। ये पीर बाबा की दरगाह है, हमारे खेत से थोड़ा ही दूर है। हम लोग यहाँ पर कई बार ध्वजा चढ़ाने आते हैं। और ये हीना यहाँ पर अभी भी बोर तोड़ते हुए, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि हीना लेके आएगी और मैं खाएगा। हीना बहुत अच्छी है, मेरे को एक दो बोर तो पक्का देगी, देगी ना? मक्खन लगाओगे तो कौन नहीं देगा? मक्खन लगाऊंगा तो दोगी? तो क्या लगाएगा? तो पूरा बाल्टी डाल दूंगा तो क्या करोगी? तो बाल्टी भर के देके जाऊंगा। वाह, ऐसी हो बीवी हो तो ऐसी, वरना ना हो। देखिए गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं। पकड़ो। ये देखिए मेरे गाइस इतने सारे हैं, बहुत मीठे मीठे बेर है। अब ये इतने लेके आई और वो अपने लिए लेके आई है। बस बस खा लेते पहले, फिर जाएंगे। अभी दादा भैंस का दूध निकालने जा रहे हैं। अभी भैंस का दूध निकाल लिया, अब गाय को लेके जा रहे हैं। अभी गाय को चारा दिया है, अब उसका दूध निकालेंगे। नहीं, मेरी पतंग रेडी हो चुकी है, अभी हम इसको उड़ाएंगे। हम छत पे आ चुके हैं पतंग उड़ाने के लिए और आज खेतों में पतंग उड़ाने का मजा लेंगे। क्या मजा आने वाला है, अस्त्र होने वाला है। और ये देखिए हमारी छत कितनी बड़ी है गाइस। सो चलिए पतंग उड़ाते हैं। अरे हीना पतंग तो एक बार में उड़ गई और फिर फंस भी गई, बोलो फिर ऐसी भी होगी। क्या पतंग एक बार में उड़ी और फिर ऐसी हो गई? क्या हुआ, कन्नी टूट गई क्या? फिर से चलो ऐसा छोड़ देना, पतंग हवा में छोड़ देना बोलते उला लियो। हाँ छोड़ दो, छोड़ दो। अब टाइट पकड़ने की होती है, छोड़ो ना आप पहले, वापस दूर चली जाओगी। मैंने क्या बोला, रस्सी हमेशा टाइट पकड़ने की होती है उसकी। अभी हवा आई थी ना तब उड़ी, फिर अचानक से बैठ गई। मैं क्या टाइट पकड़ो, कैसे पकड़ते हैं टाइट? छोड़ दो। ये ऐसा कुछ छपरा का था एक, वो करे खाए कुछ भी नहीं खाए। अबे वो जिस साइड पवन है उस साइड लेके जा, दिक्कत बता रहा हूँ उसको, जहाँ जाने जाए। अरे हमारी पतंग, अब वो अस्थिर पतंग। ए वो देखो उल्टा रिएक्शन दिख रहा है, कुत्ता देखो वो ऊपर ही देख रहा है, अभी तक ऊपर ही देख रहा था। और हमारी पतंग स्थिर हो चुकी है और मैंने उड़ाई है। खेतों में पतंग उड़ाने का मजा। इस साइड आएगी तभी स्थिर रहेगी राहुल, वहां जाएगी ना रजकुल, इस साइड लाओ पतंग को।
इसी साइड हाँ दिख रही है पतंग। हाँ ये हमारी पतंग, फाइनली पतंग उड़ चुकी है, एकदम मस्त पकड़ी हुई है मैंने, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रही हमारी पतंग, ढील दे तेरे भैया ढील दे, इस पतंग को ढील दे। वहां हमारा कुत्ता बैठा है, अब हम हीना को दे दे रहे हैं पतंग, अब हीना उड़ाएगी। इसमें क्या मजा आता है, क्या मजा आता है, स्थिर हो गया अब इसको लेके ना, तो बैठ जाने का और कुछ नहीं करने का। आपको किसी चीज का गण वो ही नहीं है, कद्र ही नहीं है। गाँव में खेत होने का जो मजा है वो और कहाँ है। सनसेट हो रहा है और हम पतंग उड़ा रहे हैं। ए ढील दे तेरे भैया ढील दे, इस पतंग को ढील दे। क्या मजा आ रहा है, यहाँ कोई काटने वाला भी नहीं है मेरी पतंग, एकदम ऊपर उड़ रही है, एकदम ऊपर मस्त। क्या मजा आ रहा है, हीना नीचे बैठ गई, हीना बोरिंग है, इसको कुछ मजा नहीं आता, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं पहली बार खुद से पतंग चकाई और मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, तो इसलिए आपने मेरे को उड़ाने भी नहीं। तो उड़ाओ ना, लो ना। अब क्या है, तो उस साइड करने को कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि कैमरे में दिख ही नहीं रही है, इतनी ऊंची उड़ रही है पतंग हमारी। हाँ और ये घिचकोले खा रही है मस्त वाली, और हमने बहुत सारा ढील दे के रखा है उसको। बा और दादा देखो साथ मिलके कैसे दूध निकाल रहे भैंस का, 90 साल 80 साल के हो गए हैं, फिर भी उनका प्यार देखो, मिल बांट के काम करते हैं। और एक ये हमारी है चुड़िया, यहाँ पर कभी भी झगड़ा ना किए किए बिना रह ही नहीं पाती है। ये पागल हो चुके हैं राहुल पंड्या पागल हो चुके हैं। आज पतंग पहली बार इतनी दूर तक गई है, शायद दिख भी नहीं रही है आपको, ये रही दिख रही है, बहुत ज्यादा ऊंची चली गई है, इससे रहा नहीं जाता कि मेरे हाथ में कैमरा कैसे आ गया। क्या है ले? तो पतंग भी नहीं दिख रही है, पीछे देखो मेरे पप्पा है ना, फली उठा रहे हमारे लिए, हीना उनको एक बर्तन देने जा रही है। अब तो आकाश में सिर्फ एक बिंदु दिखाई दे रहा है, पतंग तो पता नहीं कहाँ गई, और ये रील खाली हो गई हमारी। ये आखिरी दौर है और ये हमने तोड़ दी है, फिरकी खाली हो गई है और ये पतंग की आखिरी दौर मेरे हाथ में है। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसे जाने देना है या रोक लेना है। पंजे का आखिरी दौर मेरे हाथ में है, हाँ रील हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब पतंग हमारी दिख रही है, कहाँ दिख रही है, अरे पतंग ही नहीं दिख रही अब तो मेरे को। हमारी पतंग जा चुकी है, फिरकी खाली हो चुकी है, हमारा पतंग उड़ाने का सपना खेतों में पूरा हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अभी हम जाएंगे घर, अभी हीना और मेरे पापा खेतों की सब्जियाँ बिन रहे हैं वहाँ पर, देखिए पीछे मेरे कंगे ये रहे यहाँ पर, ठीक है। सो बस खेतों से मस्त मस्त सब्जियाँ वगैरह लेके हम अब घर जाएंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कल के वीडियो में ज़रूर जुड़िएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपनी सोसाइटी को साफ रखें, और मेक श्योर कि जब आप पतंग उड़ाए तो किसी के गले पे रस्सी ना आए। आज हम त्रणसा गए थे, तो त्रणसा से जब आ रहे थे तो रोड पे ऐसे रस्सी लगी हुई थी, ऑलमोस्ट मुझे दिख गई थी तो मैं रुक गया, पर पीछे से एक अंकल आए, वो तो अच्छा हुआ मैंने उनको चिल्लाया, और सामने बम्पर था और उन्होंने गाड़ी स्लो की इसलिए वो बच गए, नहीं तो उनका गला कट जाता और दो जन थे, दोनों गिरते वगैरह वगैरह लग जाता उनको। सो या सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हो सके तो वो तार अपनी गाड़ी पे लगा के चलाए एक दिन के लिए, ठीक है। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, बाय बाय। एकदम मस्त सनसेट हो रहा है गाँव में आज, ठीक है। सो ये लीजिए, आप देख लीजिए, है ना खूबसूरत सा। सो यही तो है जीवन, और क्या चाहिए। चलिए बाय बाय।